हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करथिल जे सीता विलापर मैम क्वेश्चन आंसर करंतु, तो सेति बैंकि मु नेकी आछी ए वीडियो टी। प्रथमे मु तमको ए चैप्टर टी बुझै दोजे, तापर नेक्स्ट वीडियो रे मु सीता विलापर क्वेश्चन आंसर नेकी आसीबी। सीता विलाप होउची पिला माने तम माने समस्ते छोटबेले हौ के एबे हौ टीवी रे किंबा बही रे किंबा स्टोरी रे के जेजे बापा जेजे माँ बापा माँ स्टोरी शुणी निहांती भाव रामायण रो, तो यहाँ रामायण रो किछ पार्ट को लेकर सीता विलाप लिखा जाए। तो ये आमर आम पढ़ा प्रथम कवि परिचय प्रथम पढ़ा आईटा कौर आसा आग जाणी तापर विषय पर आलोचना करवा। कवि विश्वनाथ खुंटिया। विश्वनाथ खुंटिया थिले उपेन्द्र भंज दीनकृष्ण और लोकनाथ समसामयिक समसामयिक पुरी निवासी और श्री जगन्नाथ महाप्रभु सेवक थिले एवं गजपति महाराज दिव्यसिंह देवंकर समय रे विचित्र रामायण नामक एक काव्य रचना करथिले। ताले पिला माने से कौन थिले तांग घर कोडी थिला पुरी रे थिले, पुरी रे तांग घर थिला आउ महाप्रभु जगन्नाथ से सेवक थिले। जगन्नाथ पिला माने बहुत प्रकार सेवा हुए, तो से किसी सेवा ये करूले जो कि जगन्नाथ सेवा सेवक थे। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जानी पिला माने पुरी राजा ना से ही समय रे विचित्र रामायण नामक एक काव्य रचना करते किए विश्वनाथ खुंटिया। मन रखि थ विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया काव्यटी रचना करते। विभिन्न राग रागिणी युक्त यह काव्यटी राम चरित उपर आधारित मधुर शैली एवं काव्यटीर विशेषत्व। सीता विलाप कविताटी विश्वनाथ खुंटियांकर रचित यह विचित्र रामायण काव्यर एकादश सांदर विषय वस्तु अटे। ताहले पिला माने विचित्र रामायण रु ए सीता विलाप गोटे कौन छांद माने गोटे पार्ट से पार्ट रु एटा आना जाए। केते नंबर पार्ट पिला माने एकादश एकादश माने एगार बा इलेवेन इलेवेन छांदर एडा आसी वर्णना करवा। ताहले तम्मे माने जानथिबो राम दशरथंकर पुत्र थिले से राजा थिले, तो तांको वनवास जीवाक पड़ता वनवास समय रे से तांको रावण हरण करि नेथिला। तो से ही सब स्टोरी तम्मे जानथिबो जेतेबेले सीता रावण हरण करि नेथिला सेतेबेले सीता कौट रखी अशोक वन में रखी था। से अशोक वन को जितेबले हनुमान जाकर सीता ठाब कर ठाब कला टाइम पचार हनुमान कौन उत्तर दे विषय यही काव्यटी लिखा जा। सीता विलाप राग आद्य मगुसुरी बाणी तेल रागर नाँटा पे लिखाई जो मैंने गीत बेस टे नलेज थी से रागटा जापर। कहई हनुमर कांतर कुशल लक्ष्मण सर्वकुशल मर कत हेम बेनी कलेवर होई नहांती ना दुर्बल हनुहे बेनी भाईंकर कुशल कुशल करी लक्ष्मण सेवा करिथांती टिके पाद कमल। ताले एठी कौन कहिछंती सीता पचारछंती जे हनुमान तमे मोर कांत कांत माने किए तेंको स्वामी माने राम राम केमिति अछंती कुशल माने आम जानचे पिला माने केमती अच्छा से विषय रे सीता आग प्रथम पचार मरकत हेम बेनी कलेवर होना ना दुर्बल माने सीता जेहेतु छाड़ी पलै आस हरण कर तो से सीता जोरी जोरी दुर्बल हो जाना तो से कथा सीता पचार दिजा जाक भाई केमिती अच्छा आ जितेबले कुशल करी लक्ष्मण सेवा करिथांती के पाद कमल भल करी लक्ष्मण रामंकर पाद सेवा करुछंती तो एक कथा पचारिछंती। मोर विच्छेद होइला दिनु तनु दुर्बल होइथिबो परा अधर्य होले लक्ष्मण ताहांकु करिथा कराउ थांती टिके धीरा हनुहे मते एथु निश्चिंत नेबे कि बानर बल घेनी सिंधु पार होई एथाकु आसबे कि। पुणी सीता कहते जे जिते बड़े सी मत झुरी झुरी रामचंद्र जिते बड़े
मते झोरी झोरी तांकर देह दुर्बल हो जाइथिबो तनु माने होची पिला माने शरीर शरीर तांकर दुर्बल हो जाइथिबो जते बेले से मते बहुत झोरी झोरी अधर्ज हो जाउथिबे तांकु लक्ष्मण शांत निश्चिंत कराउथिबे हनु हे मते एठु नेबे कि से पचाउछंती हनु हे हनुमान से मते एठु से नेबे कि नाही बानर घेनी सिंधु पार होई एथको आसीबे कि बानर मते टिकी हनु चिंता करुथांती चित्तरे चित्ताई मो भाव स्नेह अछि टिकी मोह विषय रे यथार्थ करण कहिबो हनु हे सत्य कि श्रीमुख देखिबि सत कह हनु केते दिन जाए तनुरे जीवन रखिबि सेठि पुणी सीता कौन कहउछंती सीता कहउछंती मते टिके चिंता करुछंती कि नाही मो प्रभु माने रामचंद्र मो विषय रे चिंता करुछंती कि नाही मते स्नेह अछि कि नाही माने मो प्रति तांकर भलो पाइबा अछि ना नाही आउ से मो कथा भाबु नांती सत कह मते हनुमान को से कहउछंती सत मते कह हनुमान को कहउछंती मु कोन आउ श्रीमुख देखि पारिबि श्रीमुख माने कहार रामचंद्रंकर मुख मु कोन आउ देखि पारिबि सत कह हनु मु आउ केते दिन बंचिकि रहिबि मु केवल बंचिकि रहिछि रामचंद्र आसिकि मते नेबे बोली बंचैकि मु सेथिपाई बंचिकि रहिछि नहले मु मो जीवन हारि देइथांती त सेथिपाई कहउछंती केते दिन मु आउ मो जीवन रखिबि बोली बोइले जे हनु कंधरे बसाई श्रीराम पासे घेनी जीवि स्वइच्छारे मुह केमंत प्रकार पुरुष अंग को छुईबी हनु हे रावण चोराई आणिला तुम्भे चोराई घेनी गले प्रभुंकर जस आउ काई रहिला से जेतेबेले एमिति कथा कहिचंती हनुमान दंग कहिचंती जे माता चलंतु मु आपण मो कंधरे बसाई के एठु नै जीवि किंतु सीता तांको मना करछन्ती काहेकी ना जेहेतु से जने पुरुष से तांको अंग को छुईबेनि तांको स्वामी को छोड़ा से आउ कहा अंग को छुईबेनि सेतिपेंगे से तांको संगर जीवेनि आ गोटे कथा कहिछन्ती पुणी जे रावण तो तांको चोरई के आनिथिला पुणी जदि हनुमान तांको चोरई के नै जीवे लुचाई के नै जीवे हनुमान तांको नै जाई परथांती जदि लुचाई के नै जीवे ताहाले जो श्रीरामचंद्र जो प्रभु आउ तांकर प्रभुत्व रहिबनि जे युद्ध करके से तांको स्त्री को बंचेकि नेले पुणी से चोरेकि नेगेले बोली सेति पई कहिछंती सीता जे आउ कोन प्रभु जस रहिबो विश्रवा नंदन आसीन अठाउ कंट हे बेनी मास मते श्रीराम लक्ष्मण देखेबु बोली बोइला हनु हे एक मास हेबो प्राण हे प्राण थाउ थाउ श्रीराम लक्ष्मण शीघ्र करि तुम्भे आण हे से कहि जो रावण सीता कह रावण ये मत कौन कहि जे जो चैलेंज कर जदि से नहीं गले ताले तोठु जाई परबो तो सेथि से हनुमान को कहउछंती तमे शीघ्र जाओ एठु आउ मोर प्रभु को बा राम लक्ष्मण को शीघ्र नहीं कि आस से माने मते एठु बंचाइकिरि नेबे किंपा हनु मोर पाई राम देले कर पल्लवरु मुद्रिका शून्य जे दिशुथिव मो प्रभुंकर कर कमल अनामिका हनु हे ए मुद्रिका नोहे अंतर प्रभुंक करे थाईण मोहर तनु भ्रमु जे थाई निरंतर से कहले जितेबले प्रथमे हनुमान आसतिले सीतांक पाखु तो सीतांकु तो से हनुमानकु तो सीता चिन्हि नथिले ना से चिन्हिबा पई रामचंद्र कोन देथिले तांको हातरु मुद्रिका गोटे देथिले जे सेथिपाई के सीता कहउछंती जे प्रभु काहें के मुद्रिकाटा दउथिले तांको हात तो शून्य देखा जाउथिबो एटा एटा मो माने जेपर्यंत ए मुद्रिका थिला मते लागथिला मु तांको संगरे तांको स्पर्शरे अछि एबे से मुद्रिकाटा हातरे नथाई पूरा शून्य दिसुथिबो मुद्रिका मस्तके लगाई आपण पणंतरे बांधि रखिले मथारु मणि बाहर करि पुणी हनु करे समर्पिले हनु हे मुठारे करुणा करिब दिन जनठारु कणि करुणा कलेटी करुणा सिंधु बोलाइबे
ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଥାର ମଣିକୁ ସେ ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଲେ। ଯେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ହନୁମାନ ଯାଇକି କେମିତି କହିବେ, ହନୁମାନ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲେ ତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ସୀତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ମଥାରୁ ତାଙ୍କ ମଣିଟା ଖୋଲିକିରି ଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ହନୁହେ ମୁଠାରେ କରୁଣା କରିବ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କରୁଣା କରିବ, ଦିନ ଜହ୍ନ ଠାରୁ କରୁଣା କଲେ ଟି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୁଲାଇବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବ ମୋଠାଏ ମୋ ପାଇଁ କରୁଣା କରିବେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କରୁଣା କଲେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାମ ସେ ବୁଲାଇବେ। କହିବ ହନୁହେ ଏତିକି ମାତ୍ର କେ ମୋହର ବିନୟ ଉଦନ୍ତ, କେବଳ ମୋହର କଲା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର କାନ୍ତ। ହନୁହେ ପ୍ରବୋଧି କରିଣ କହି ବୋଲେ ବିଶ୍ରାମ ଜାମୁରେ ଜଣାଇ ନିକଟେ ଆଣିବ ବୋଲଇ। ତାହେଲେ ଏଠି ସୀତା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତମେ ଯାଅ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବ, ମୋର ଯଦି କିଛି ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ବା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ କରିକି କହିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି, ଏର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣିବି। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ବୁଝେଇବାର ଶୈଳୀ, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯାହା